रीवा में किलकारी शिविर का सांसद एवं रीवा विधायक ने निरीक्षण किया। रीवा जिला अस्पताल में किलकारी अभियान के तहत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा तथा खून चढ़ाने के लिए विकास खंडवार शिविर लगाए जा रहे हैं। किलकारी शिविर का सांसद जनार्दन मिश्र एवं पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने निरीक्षण किया तथा महिलाओं से शिविर की व्यवस्थाओं व उपचार सुविधाओं के विषय में जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने किलकारी शिविर के बारे में सांसद एवं रीवा विधायक को विस्तार से जानकारी दी। किलकारी शिविर में सिरमौर व मऊगंज की 205 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर पीके गुप्ता, डीपीएम अर्पिता सिंह व अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। उनको यहाँ गर्भवती माताओं को वार्ड से लाया जाता है। यहाँ जिनको हीमोग्लोबिन कम है, 2% 3% से कम है, आयरन चढ़ रहा है, खून भी चढ़ रहा है, हो रही है। माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए एक किलकारी अभियान की शुरुआत की गई है और पिछले 4 दिनों से डिफरेंट ब्लॉक्स की गर्भवती माताएं यहां आ रही हैं। उनका हर तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, सोनोग्राफी किया जा रहा है और आवश्यकता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जा रहा है। हम लोगों की ये कोशिश है कि ज़िले की जितनी भी हाई रिस्क गर्भवती माताएं हैं उन सबको एक बार जिला अस्पताल में चेकअप करा दिया।